नमस्कार दर्शकों स्वागत है मैं हुदा टेकियन तो आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पिक्सल सिक्स का एक वन मंथ लेटर लॉन्ग टर्म रिव्यू और इस वीडियो में मैं पिक्सल 6A का हर एक एस्पेक्ट कवर करूंगा लाइक डिस्प्ले टू ब्रैक पैनल तो वीडियो को अंत तक देखे क्यूँकी आखिर में मैं बताऊंगा इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं तो वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले अगर इसके डिजाइन से शुरुआत करे तो डिजाइन में आपको मिल जाएगा पिक्सल सिक्स में एक 8.9 मिलीमीटर थिकनेस वाला बॉडी देन इसका वेट है 178 हंड्रेड ग्राम्स और सामने की तरफ आपको मिलेगा कॉन्डेन गोयला ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन फिलहाल मैंने इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और पीछे की तरफ आपको ग्लास पैक मिलेगा और ये फोन आई पी सिक्सटी सेवन डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट के साथ आता है मतलब इस आपको स्प्लैश प्रोटेक्शन दे देगा बट ये वाटर प्रूफ नहीं है और इसमें आपको इधर पे एक नैनो सिम घुसाने का जगह मिलेगा और इसमें ई सिम सपोर्ट भी आता है और आपको अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ये मेरे तरह केस लगा सकते हो इसके पीछे तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलेगा तो फोन की ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए और राइट साइड में आपको मिलेगा ये ऊपर की तरफ जो पावर ऑन ऑफ बटन और नीचे ये जो वॉल्यूम अप डाउन बटन और ये मैंने देखा है पूरा एंड्रॉयड से उल्टा है मतलब हर एक एंड्रॉइड फोन में आपको ऊपर की तरफ पावर बटन और ऊपर की तरफ वॉल्यूम बटन और नीचे पावर बटन मिलता है बट इसमें उल्टा है बट जो फायदा का बात है ये काफी टैक्टाइल है आपको ऐसा साउंड भी मिलेगा आपको अगर मैं सुना सकू तो, तो काफी टैक्टाइल से ये बटन और नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक स्पीकर ग्रिल जो कि है ये वाला देन आपको यहाँ पे मिलेगा टाइप सी पोर्ट और यहाँ पे और एक सेकेंडरी माइक मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सिम स्लॉट और पीछे आपको ये गूगल का लोगो मिलेगा जो कि बहुत ही हल्का सा है और नीचे ये मेड इन वियतनाम वाला लोगो अब इस फोन के कलर की बात करें तो मैंने ये व्हाइट वाला पिक किया है क्योंकि ब्लैक वाले से तो काफी अच्छा है व्हाइट वाला बट इसका जो सबसे बेहतरीन कलर ऑप्शन था ग्रीन वाला वो तो गूगल वाले ने इंडिया में नहीं लाए बट ये व्हाइट भी काफी आई के है मतलब आप अगर दूर से इस फोन को लेकर जाओ तो ये व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों को आसानी से पता चल जाएगा और लोगों को ये जो ऊपर वाला कैमरा बार है उससे आसानी से पता चलेगा कि ये गूगल का फोन है और अगर किसी को पता नहीं है तो वो लोग एक बार आपको जरूर से आपको पूछेंगे कि भाई आप ये कौन सा फोन यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं इसको जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी में मैं पूरा मार्क्स नहीं दे सकता क्योंकि सामने के

छोटा छोटा एस्पेक्ट्स की बात करें लाइक इसमें फुल ब्राइटनेस में आपको बहुत ही अच्छे तरह से आउटडोर में विजिबल होगा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका ऑटो ब्राइटनेस हालांकि थोड़ा सा मतलब उतना अच्छे से काम नहीं करता करता है बट उतना आपको स्मूथ ट्रांजिशन नहीं मिलेगा जो कि आपके सैमसंग के फोन में मिलते हैं और इसके बाद बात करें तो इसका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो आ, मतलब एक्यूरेट है बट थोड़ा सा स्लो है और बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बट इसमें जो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो अच्छा है अब इसके जो मेन मुद्दे है और उसके बाद आगे इसका जो कलर्स है वो काफी अच्छा है मतलब आपको ये डिस्प्ले एंजॉयबल लगेगा बट जो मेन मुद्दा है फोन के साथ वो है इसका सिक्सटी हर्ट्स का डिस्प्ले तो क्या ये सिक्सटी हर्ट्स वर्थ है तो मेरे हिसाब से मुझे फिलहाल तो इस फोन में कोई भी आज तक भी कोई चौपीनेस या फिर ऐसा कोई लैग जर्क कुछ भी मुझे मालूम नहीं हुआ है मतलब मुझे ये इसका सिक्सटी हर्स पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगता है शायद इसके पहले जो मैं फोन यूज कर रहा था वो भी सिक्स था बट मुझे पता नहीं उसके मेरे मम्मी के फोन में भी फिलहाल जो फोन से शूट हो रहा है उसमें वन है मैंने दोनों का कंपेयर करके देखा है मुझे उतना कुछ ज्यादा फील नहीं होता इसका सिक्सटी हट है उसका वन ट्वेंटी तो मेरे के लिए तो ये बहुत ही एक शानदार डिस्प्ले आपके लिए हो सकता है इसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है अगर आप हर वक्त वन ट्वेंटी में मतलब एकदम स्क्रॉल करते रहते हो करते रहते हो मुझे तो इसमें कुछ नेस फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और आगे दिखा तो मैं अपडेट कर दूंगा बट फिलहाल के लिए इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है अब इस फोन के सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो ये बिल्कुल सेम है अपने अदर पिक्सल फोन की तरह मतलब जो लेटेस्ट पिक्सल सेवन सेवन प्रो आया है क्योंकि इसमें भी आपको एंड्रॉइड थर्टीन मिलता है और इसमें सॉफ्टवेयर फीचर्स तो काफी अच्छे है क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉड पे चलता है तो मेरे हिसाब से अगर किसी को सॉफ्टवेयर में प्योर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो उनको पिक्सल के लिए जाना चाहिए क्योंकि इसका जैसा एक्सपीरियंस आपको ना ही और कोई ब्रांड दे सकता है मतलब एंड्रॉड में और ना ही कोई ब्रांड का इतना क्षमता है कि इतना जैसा मतलब सिक्सटी हर्ट डिस्प्ले होने के बावजूद भी अगर ये आपको ना फ्रीड एक्सपीरियंस दे सकता है तो आपका ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सोच सकते हो बट सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सिर्फ इसमें नहीं बैटरी कैमरे

स्क्रीन गोज ऑफ बट स्टिल रिकॉर्ड अब फिलहाल और दोस्पेक्ट मुझे इस फोन के काफी अच्छे लगे हे है है फीडबैक मतलब इसका अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा मैं आपको बोल के नहीं बता सकता क्योंकि इसका फीडबैक इतना अच्छा है कि आप अगर इसको यूज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मतलब हर एक टाइम में इसका बहुत ही टाइट फीडबैक मिलता है जो मुझे आज तक किसी भी सैमसंग फोन से या फिर किसी भी और ब्रांड के फोन से नहीं मिला और इसका जो स्टीडियो स्पीकर है वो काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बेस जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है लोज भी ठीक है मतलब उतना ज्यादा साउंड लाउडनेस नहीं मिलता बट बेस काफी मिलता है और स्टीडियो मतलब इसका जो है वो तो मार्शल

अगर आपका यूसेज मीडियम है तो छह घंटा आराम से चल जाएगा और अगर आप एकदम लाइट यूजर हो तो सेवन घंटा या फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा मेरे हिसाब में इसमें लगभग हर दिन साढ़े पाँच से अगर मैं हल्का यूज कर दू तो छ मैक्सिमम टाइम साढ़े पांच घंटा चल जाता है और मेरे लिए ये अच्छी बात है क्योंकि मैं इसको सिर्फ फिलहाल के लिए तो यूट्यूब के वर्क के लिए यूज कर रहा हूँ वैसे कुछ ओटी टी एप्स भी है बट ऐसे व्हाट्सऐप मैं उतना ज्यादा यूज नहीं करता और जितना भी करता हूँ वो मेरे मम्मी के फोन में तो मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप तो काफी अच्छा बट हाँ इसका अगर चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा बेहतर होता तो बहुत ही अच्छा होता मतलब दो घंटा इसको चार्ज करने में बहुत ही दुख है बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा चार्जिंग स्पीड है इसका तो फाइनली पिक्सल सिक्स के कैमरास की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ आपको दो कैमरा मिलेगा एक ट्वेल मेगा का मेन और टूएल मेगा पिक्सल का अल्ट्रावाइट तो दोनों में ही आप फोर के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बट मेन से सिक्स एफ में और अल्ट्रा अल्ट्रवाइट से सिर्फ थर्टी एफ में और सामने की तरफ आपको मिलेगा एटमपी का सेल्फी कैमरा जिसमें आप मैक्सिमम टेन का जो फोटो ए, वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो एट थर्टी एफपीएस फोटो क्वालिटी की बात करें तो मुझे इस पिक्सल का कैमरा क्वालिटी फिलहाल फिफ्टी के नीचे जितने भी फोन से उनमें सबसे बेस्ट लगता है इसका कारण क्यों है मैं इसका एक कंप्लीट कैमरा रिव्यू कर चुका और उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में फ्लैश

तो अगर आपको टेलीफोटो नहीं चाहिए तो ही आप की तरफ और बाकी के जो कैमरा से टेलीफोटो तो की बात करें तो उससे पहले इसका जो से, उसके साथ इसका एक छोटा सा करें, तो इसका आपको A73 मिलेगा, मिलेगा नथिंग का फोन वन और देन आपको आईफोन ए तो ए में आपको इससे बेहतर डिस्प्ले मिलेगा बट बाकी के जो बैटरी प्रोसेसर कैमरा वो तीनों इसमें बेस्ट मिलेगा नथिंग का भी सेम सीन है उसमें भी बेहतर डिस्प्ले मिलेगा बाकी बैटरी डिस्प्ले प्रोसेसर इसमें बेहतर मिलेगा आईफोन के साथ आईफोन से इसका मुकाबला करें इसी से तो इसमें आपको डिस्प्ले बेहतर मिलेगा जो कैमरा है वो पिक्चर्स में बेहतर होगा वीडियो में शायद आईफोन जीत जाए बैटरी इसमें बेहतर मिलेगा बट प्रोसेसर उसमें बेहतर मिलेगा तो मेरे हिसाब से फिलहाल जो इसका प्राइसिंग है फ्लिपकार्ड में दिखा रहा है थर्टी तो इस प्राइस रेंज में मैं आपको अवश्य रिकमेंड करूंगा ये फोन क्योंकि इसमें आपको बहुत एक अच्छा सा गूगल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा लाइक लाइफ टाइम स्क्रिप्ट और इसके साथ इसका तो ऑन पार है मतलब बहुत ही बढ़िया थर्टी